बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में उतरा संयुक्त किसान मोर्चा कलेक्ट्रेट पहुंच लोगों ने किया प्रदर्शन। आजमगढ़ दिल्ली में धरने पर बैठी महिला पहलवानों के समर्थन में दिनों दिन विभिन्न संगठन अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। मंगलवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और आरोपी भाजपा सांसद को गिरफ्तार करने की मांग की। मंगलवार को किसान संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के राजेश आजाद ने कहा कि देश की प्रसिद्ध महिला पहलवान जिन्होंने मेडल लाकर देश व विदेशों में अपना नाम रोशन किया है, वो लगातार 3 सप्ताह से धरने पर बैठी हैं, लेकिन केंद्र सरकार अपने सांसद को संरक्षण दिए हुए है, जबकि पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तारी का प्राविधान है। उन्होंने मांग किया कि आरोपी सांसद को गिरफ्तार किया जाए और महिला पहलवान को न्याय दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव व्यू। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से मैं राजेश आजाद हूँ और ये तमाम हम लोग लगभग 23 तारीख से लगातार देश के जो प्रसिद्ध और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति लब्ध मेडल विजेता भारत की स्टार जो महिला पहलवान है वह लगातार धरना जंतर मंतर पर जारी रखी है। पॉक्सो एक्ट हो जाने के बाद भी हमारे देश की जो शासन प्रशासन है, चाहे वो भाजपा सरकार हो जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती हो, और उसके नेतृत्व में जो प्रशासन है, अभी तक पॉक्सो एक्ट के तहत ब्रजभूषण सिंह को क्यों संरक्षण दे रही है और गिरफ्तार नहीं कर रही है, इस सवाल को लेकर देश भर में लोग उद्वेलित हैं। देश के नागरिक, संयुक्त किसान मोर्चा के लोग और तमाम विविध संगठन के लोग यहाँ जुटे हुए हैं संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में। हम लोग का स्पष्ट मानना है कि जब से भाजपा सरकार आई है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो योजना लेकर आई, उसका 80% जो फंड आया वो केवल प्रचार में लग गया। यह खुद आपराधिक रिकॉर्ड ब्यूरो का कहना हुआ है कि रोजाना 86 बलात्कार देश में होते हैं और जिसमें सबसे ज़्यादा नाबालिग लोगों पर हो रहे हैं, बालिकों से ज़्यादा। ये कैसी संस्कृति बनाई जा रही है, उपभोक्तावादी संस्कृति, कैसे पितृसत्तात्मक मूल्यों को टीवी टेलीविजनों के माध्यम से, गानों के माध्यम से स्थापित किया जा रहा है, सारा कुछ जान। ऐसा नहीं कि अनभिज्ञ है सरकारें, ऐसा नहीं है कि हमारे देश के पक्ष विपक्ष की पार्टियाँ यह को लोग नहीं समझ रहे हैं कि ये क्यों चुप्पी हैं, क्योंकि हमारे देश में यह जो पूंजीपतियों की और पूंजीपतियों के दलाल सरकारें हैं, ये आपराधिक माफिया के साथ साथ एक बलात्कारी संस्कृति का पोषण कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह उसी का एक नायाब ताज़ा उदाहरण है, जिसको लगातार 23 दिनों से, क्या 3 महीने से जन दबाव बना है और सुप्रीम कोर्ट संज्ञान में लिया है, तब जाकर केवल FIR हुआ, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। इससे हम लोग उसकी बेहद क्षुब्ध हैं, दुखी हैं, निंदा करते हैं। भाजपा सरकार बलात्कारी वालों के क्यों नहीं गिरफ्तार करत हम और हम लोगों के खिलियाबाद का आंदोलन ये हम लोगों का कहे ना खत्म करत हम ये हम लोगों गरीब आदमी कहाँ जाए जाए किस चीज़ को लेकर आंदोलन किया जाए। हम लोगों ने आंदोलन बाबू घर द्वार खेत बाड़ी कुल जात है जकरी खातिर आंदोलन करत है आ जौन और जौन गिरफ्तारी भैया लड़की का बलात्कार भैया ओकरी खातिर सरकार क्यों नहीं जेल भेज देते वो गुंडन के। भारत का मजदूर, 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 भारत का मजदू